हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट स्टडी एंड जॉब्स। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन द बेसिक्स ऑफ एचएससी, निपोश, आयुष, ओशा एंड देयर जॉब्स एंड सैलरी। इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि बेसिक्स पढ़ेंगे, एचएससी होती क्या है, क्या उसका रोल है, और उसके अलावा जो हम निपोश के बारे में पढ़ेंगे, निपोश क्या होता है, आयुष क्या है, ओशा क्या है, और इसके इन सब के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन हमें होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इनकी जॉब्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज एचएससी या ईएचएससी? ये एक ही चीज़ है, इसको बस वर्डिंग चेंज है। इसका जो मेन है, एच है हेल्थ, एस है सेफ्टी, ई है एनवायरमेंट। हेल्थ से बेसिकली होता है कि हम किसी भी, जब कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे देखना है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, आई मीन कोई भी है वो खतरे से बाहर हो, प्रिवेंट फ्रॉम इलनेस यानी किसी भी डैमेज से वो बाहर हो, हेल्थ में ये आ जाएगा। और सेफ्टी है कि एब्सेंस ऑफ रिस्क, उसके कोई किसी किस्म का रिस्क ना हो, वो रिस्क से किसी किस्म के खतरे से बाहर हो। और इन्वायरमेंट है कि उसे वहाँ पर उसकी बेसिक फैसिलिटीज मुहैया की जाए ना, प्रोवाइड की जाएंगी, तो फिर ही वो है कि अगर किसी के पास वहाँ पे सेफ्टी के रिलेटेड हर चीज़ पड़ी होगी तो फिर ही वो रिस्क से भी बचा हुआ होगा और अपनी हेल्थ के रिलेटेड भी। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि एचएससी इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हैजर्ड एंड टू असर्टेन एनवायरमेंट, डेवलपिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस हैजर्ड एट एनी प्लेस। इसके अंदर यह है कि इसमें वो हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और हम उसको प्रैक्टिसेस के थ्रू कम से कम करने की कोशिश करते हैं। एचएससी का ये रोल होता है, किसी भी फील्ड के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हैजर्ड कौन सा है, रिस्क कौन से पड़े हुए हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करना और उनको कम करना, बेसिक चीज़ यही होती है इनकी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे निपोश के बारे में, व्हाट इज़ निपोश। निपोश की हर जगह पर आजकल बहुत मार्केट है, पाकिस्तान, इंडिया, अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज हो गए, बाकी जितने भी आजकल बाहर की जॉब वगैरह आ रही हैं वहाँ पे हेल्थ सेफ्टी के रिलेटेड निपोश की बहुत रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम थोड़ा सा। ये नेशनल एजुकेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसका जो है एब्रीवेशन है। और निपोश की यूके लेवल सर्टिफिकेशन है, इसकी जो लेवल 3 की सर्टिफिकेशन है ना, उसके अंदर होता है कि IG1 के पेपर होता है 100 मार्क्स का, इसमें से हमने इसे पासिंग मार्क्स 40 तकरीबन लेने होते हैं, 40 मार्क्स तकरीबन ज़रूरी हैं इसमें। और IG2 की रिपोर्ट है और ये हमने सबमिट करवानी होती है, और उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो बहुत मल्टीनेशनल, लोकल इंडस्ट्रीज तो नहीं लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ पर बहुत इनकी ना डिमांड है। और इसके बाद ये जो है ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आपके पास 24 घंटे होते हैं, जब पेपर आता है ना उसके बाद 24 घंटे होते हैं, आपने 24 घंटे के अंदर अंदर इसे फिल करना होता है। वन टाइम सर्टिफिकेशन होती है इसकी और जो कभी एक्सपायर नहीं होती, अगर आपको एक दफ़ा मिल जाती है तो बाद में ये मैं कहते हैं कि लाइफ टाइम ना चलती है। तो उसके बाद यह है कि इसका टोटल 80 से 120 हावर्स ऑफ स्टडी होते हैं, तो इसके अंदर तकरीबन जो आम अदारे हैं वो तकरीबन ले लेते हैं, 1 मंथ 2 मंथ्स ले लेते हैं आपके लिए ना, जो भी करवा रहे होते हैं आपको इसकी सर्टिफिकेशन वगैरह करवा रहे होते हैं, तो उसके बाद वो एग्ज़ाम वगैरह भी खुद ही कंडक्ट करवा लेते हैं इसके ना। जो है आयुष है, आयुष के बारे में हम पढ़ेंगे। ये निपोश और आयुष है ना, ये आई मीन कहें कि खुद कोई अदारा करवा रहा हो ये वो हिसाब नहीं है, ये आगे कोई ना कोई इनका होता है, ये कोर्स प्रोवाइडर है, सिर्फ इन्होंने कोर्स देना है, आगे आप कहीं से मर्जी कर सकते हैं, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जाके कर सकते हैं। ये जो आयुष है ये है द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये भी एक यूके बेस्ड है, और ये इसकी जो होता है कोर्स के अंदर होता है कि ये 7 मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर ना, तो उसके बाद ये 1 वीक में या 2 आवर्स का होता है, लेकिन ये आपको जब यहाँ उनकी तरफ से तो इतना होता है, लेकिन आप जब यहाँ पे पढ़ते हैं ना तो ये आपसे टाइम तकरीबन 1 मंथ ले लेते हैं। इसके लिए जो है हमें मैट्रिक और बैचलर
कोई भी कर सकता है। मैट्रिक के लिए ये जरूरी होता है कि मैट्रिक वाले बंदे को इंग्लिश फ्लुएंटली आनी चाहिए। अगर इंग्लिश आती होगी तो वो इसमें होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने बात वगैरह जो करनी होती है सब कुछ कोर्स भी इंग्लिश में है। इसके बाद जब हमने कहीं भी फील्ड में जाना तो इंग्लिश वहाँ पे ज़रूरी होती है, और ये थ्रेटिकली बेस्ड ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर 7 मॉड्यूल्स हैं, तो ये ज़्यादा थ्रेटिकली बेस्ड होता है पढ़ने के लिहाज से ना। तो बाकी तो फील्ड के अंदर जाके प्रैक्टिकली वर्क है, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सऊदी अरेबिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, आरामको होगी और काफ़ी सारी हैं गैस ओजी के रिलेटेड। और इसके अलावा है कि इसके अंदर जो पेपर होता है वो 30 MCQs होते हैं, और इसका भी जो सर्टिफिकेशन है वो कभी एक्सपायर नहीं होती है, आई मीन लाइफ टाइम चलने वाली है। और इसके बाद है ओशा। ओशा के अंदर क्या होता है कि ओशा जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है इसे, लेकिन पाकिस्तान अलाउ नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर इसकी सीट्स नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बहुत सारे अतारे करवा रहे हैं, लेकिन इसकी बायर बहुत डिमांड है। और ये एक अमेरिकन बेस है, यूएस बेस है, अ लार्ज रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ यूएस है। तो इसके एसोसिएट्स बैठे हुए हैं, आपको बताया कि मैंने, यहाँ पे पाकिस्तान में भी हो रहा है, करवा रहे हैं काफ़ी सारे वहाँ ओशा को। तो उसके बाद इसकी जो है वो 3 आवर्स होता है, जो है आयुष था वो 22 आवर्स का है, ये है 30 आवर्स का, लेकिन ये प्रैक्टिकली बेस है ज़्यादा। इसके अंदर बेसिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, प्रैक्टिकली बेस होता है वो है थ्रेटिकली, ये प्रैक्टिकली बेस होता है। तो वर्किंग इन 50 स्टेट्स अंडर फेडरल अथॉरिटी, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 50 स्टेट्स के अंदर वर्क कर रहा है, पाकिस्तान में नहीं कर रहा यहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से, और ये भी एक्सपायर नहीं होता। किसी भी सेफ्टी के अंदर जब ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, 3M क्या होते हैं, ये क्वेश्चन होता है हमसे पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यूज के अंदर ना, 3M क्या होते हैं। तो इसके अंदर बताया जाता है कि जब हमने कहीं पे काम कर रहे हूँ तो वहाँ पे हमने 3 M's को फॉलो करना होता है। अगर कोई वहाँ पे हादसा हो जाए, तो कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ पे पहले हमने मैन से आदमी जो होते हैं वहाँ पे उनको सेव करना होता है, उसके बाद वहाँ पे जो मटेरियल पड़ा होता है उसको सेव करना होता है, उसके बाद जो वहाँ पे मशीनरी वगैरह है उसे सेव करना होता है। उसके बाद है कि क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में है कि निबोश के लिए FSC टू नेक्स्ट जितना भी उसने पढ़ा है बैचलर तक है वो इजीली कर सकता है इसे। FSC इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि निबोश एक हाई लेवल है, इसके लिए मैट्रिक वाले बंदा कर तो सकता है, मैट्रिक वाला भी, लेकिन मैट्रिक वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर। इसे ना तो इंग्लिश वगैरह का इतना वो होता है कि इसके अंदर इंग्लिश कंपलसरी होती है किसी भी ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वो जो है आयुष है ये मैट्रिक वाला बंदा कर सकता है क्योंकि उसे इंग्लिश की संभावना होती है, वो इजीली से कर सकता है, लेकिन जो है निबोश है इसके लिए उसे कम्युनिकेशन स्किल्स भी आनी चाहिए, तो वो एक आम मैट्रिक वाला बंदा के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। तो आयुष करके वो फिर आगे निबोश कर ले तो वेल एंड गुड है, फिर उसे उसकी जॉब्स के अंदर भी डिमांड ज़्यादा बन जाती है। तो उसके बाद उसे इंग्लिश स्पीकिंग का थोड़ा बहुत पता हो, और ओशा के लिए है कि ये पाकिस्तान में वैलिड नहीं है लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है, इसके लिए मिनिमम मैट्रिक ज़रूरी है, और या ग्रेजुएशन भी कर सकता है। इसके अंदर जो है ओशा के अंदर 32 मॉड्यूल्स होते हैं, और इनके अंदर अब देखें हम जॉब्स और सैलरी के रिलेटेड जॉब्स, अब जो है ये देखें सऊदी आरामको, पाकर इंजीनियरिंग है, यहाँ पे डिस्कॉन है, करवा रही है, शाडोन्स वगैरह जो भी आती हैं बाहर की, इतनी शाडोन्स आती हैं तो उसके बारे में भी मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। डेली बेसिस पे इतनी शटडाउन आ रही हैं, इतनी शटडाउन आ रही हैं बाहर की कंट्रीज के अंदर, कि उसके अंदर हर एक के अंदर हेल्थ सेफ्टी के रिलेटेड कोई ना कोई बंदा होता है, कहीं पे निवोश मांगा होता है, कहीं पे आयुष मांगा होता है, कहीं पे ओशा की रिक्वायरमेंट आज होती है, तो उसके रिलेटेड में मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा ना। तो उसके अंदर पावर प्लांट्स जो हैं पाकिस्तान में या बाहर है वहाँ पे इसकी बहुत डिमांड है, कतर वगैरह में पावर प्लांट्स जो हैं वहाँ पे हेल्थ सेफ्टी के लिए हर बाहर की हर इंडस्ट्री के अंदर ही ना इसके डिमांड बहुत है। और पाकिस्तान के अंदर जो आयुष है ये नैपटेक टैपटा के अंदर नेशनल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, और इसके अंदर बहुत इसकी जॉब है, शाडोन्स पे भी इनको बहुत इन डिमांड है, डैम के अंदर जो भी है हर जगह पे फील्ड के अंदर इनकी सीट्स वगैरह आती रहती हैं। तो जॉब्स के रिलेटेड जो है मैं वीडियोस वगैरह इंशाल्लाह बनाता रहूँगा, और डेली बेसिस के ऊपर जिस तरह भी कोई शाडोन वगैरह आती है, कोई जॉब आती है हेल्थ सेफ्टी के रिलेटेड, तो इसके रिलेटेड आप
को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी चैनल के थ्रू। तो बाकी जो है ओशा है ये तो बाहर की इंडस्ट्री से हायर करेंगी ना, आपको पता है, इसीलिए शाडोन के लिए सऊदी अराम को है, शाडोन्स वाली हैं, ऑयल एंड गैस के रिलेटेड हैं, पेट्रोकेमिकल हैं, पावर प्लांट्स हैं, टोयोटा के अंदर पीछे जॉब आई हुई थी, ये सारी जो है बाहर की इंडस्ट्री ना ये ओशा भी रिक्वायर करती हैं। ओश की रिक्वायरमेंट्स भी कभी आई होती हैं, कभी निम्बोश की रिक्वायरमेंट्स भी आई होती हैं। तो हम इनके बारे में सैलरी के बारे में पढ़ेंगे। निम्बोश की जो पाकिस्तान में स्टार्टिंग सैलरी है ना विदाउट एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत वो साल वाला तो नहीं होता बंदे के पास, तो उसकी तकरीबन 35 to 50 के अंदर अराउंड अबाउट सैलरी लग जाती है। तो बाहर तो बहुत ज़्यादा सैलरी है। ये एक जॉब थी आई हुई तो उसके रेट पर लिखा हुआ था 22 SR ना, तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें मल्टीप्लीकेशन करके, 1 lakh से अबव है, 1 lakh तो कम मिनिमम मैंने बताई है ना, इतनी तो लाजमी लग जाती है ना बाहर की इंडस्ट्री के अंदर जब ये जाते हैं निम्बोश वाले। आयुष वाले यहाँ पे थोड़ी सी डिमांड कम होती है इनकी, पाकिस्तान में भी बाहर कंट्रीज़ में हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी सैलरी 18K to 40 की तकरीबन लग जाती है। तो उसके बाद जो बाहर है इसकी 80 से अबव लेकर तकरीबन काफ़ी 80 तो वो है जैसे फ्रेशर कह लेना, फ्रेशर की लगती है, तो उससे अबाव की बहुत ज़्यादा इनके अंदर सैलरीज वगैरह हैं। तो उसके बाद जो है ओशा है, ओशा के अंदर भी 80K to 1 lakh के करीब ना सैलरी, ये पाकिस्तान में तो है नहीं लेकिन इनकी बाहर तकरीबन डिमांड भी है और इनकी सैलरी तकरीबन इतनी लग जाती है। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, और आप जॉब्स के रिलेटेड इंशाल्लाह वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और हेल्थ सेफ्टी के रिलेटेड जो जो हम जॉब्स के अंदर क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं वो उसके रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और इसके अलावा और जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमसे पूछे जाते हैं HSC के रिलेटेड, वो मैं आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। ओके जी, आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। ओके, बाय बाय।